हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। आज की जो वैकेंसी आ रही है वो एयर इंडिया से वैकेंसी आ रही है। बड़ी भर्ती आई है एयर इंडिया में, और यहाँ पर जो जॉब का लोकेशन है वो मुंबई रहने वाला है, यानी कि मुंबई से भर्ती आ रही है। मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट ऑल इंडिया से इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो मिनिमम वेतन है वो 50,200 रुपये तय किया गया है, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, और इसकी अधिक बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा आपकी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, एयर इंडिया ट्रेनी फ्लाइट सिमुलेटर मेंटेनेंस इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2019 के लिए शुरू हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। ठीक है, पोस्ट का नाम है ट्रेनी फ्लाइट सिमुलेटर मेंटेनेंस इंजीनियर। टोटल 26 पद इसके लिए निकाले गए हैं, जिसमें से आपको जनरल में 13, ओबीसी में 7, ईडब्ल्यूएस में 2, एससी में 3 और एसटी में 1 पद दिया गया है। आगे की जानकारी से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को सपोर्ट करें अधिक से अधिक लाइक करके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। इसके लिए साथियों, आपको कोई डायरेक्ट इंटरव्यू में नहीं शामिल होना है, कोई भी आपको ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा। जॉब लोकेशन मुंबई हैदराबाद रखी गई है। ठीक है, जॉब मिलने के बाद मुंबई या हैदराबाद में आपको यहाँ पर जॉब दी जाएगी। ऑल इंडिया जॉब है, यानी कि मेल या फीमेल किसी भी राज्य के कैंडिडेट हों इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, तो अप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 1 अगस्त से, और केवल 20 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, और 20 अगस्त तक ही आप इसके लिए ऑनलाइन इसकी जो फीस है वो जमा कर सकते हैं। किन अभ्यर्थियों को फीस देनी होगी? केवल जनरल या ओबीसी, मेल या फीमेल कोई भी कैंडिडेट हों, उनको 1,000 रुपये की यहाँ पर आपको फीस देनी रहेगी। बाकी सभी एससी एसटी मेल या फीमेल सभी कैंडिडेट को कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी रहेगी। जो अभ्यर्थियों को फीस देनी है 1,000 रुपये की, उनको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा 1,000 रुपये का। ठीक है, किसके नाम से? एयरलाइन एलाइट सर्विस लिमिटेड के नाम से बनवाना होगा। ये डिमांड ड्राफ्ट आप जब जाएंगे एग्जाम के लिए तभी यहाँ पर मांगा जाएगा। ठीक है, आगे का जो प्रोसेस है मैं क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ। इसके लिए बीटेक इन इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेली जो कम्युनिकेशन का कोर्स होता है उसमें, कंप्यूटर साइंस, इसमें से अगर आप कुछ भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, और 60% जनरल या ओबीसी अभ्यर्थी हैं, 60% कम से कम मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी में अगर कैटेगरी के हैं तो 55% अगर मार्क्स हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, ये आप समझ गए होंगे यहाँ से क्वालिफिकेशन। उसके बाद उम्र सीमा देख लेते हैं। मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष के अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। आपकी जो उम्र सीमा है वो 1 अगस्त 2019 से काउंट की जाएगी, और इसमें जैसे कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं ओबीसी एससी एसटी, उनको आयु सीमा में छूट भी मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका, पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, यानी कि 2 प्रोसेस में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी आपको 50,200 रुपये यहाँ पर दी जाएगी प्रथम सैलरी के रूप में। इच्छुक उम्मीदवार, इस पेज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन यानी क्लिक हियर पर क्लिक करिए, यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए।
फुल नोटिफिकेशन क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं आप। यहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ से आप जा सकते हैं। तो इस वैकेंसी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं समझ में आया, आप तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।